हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक, जहां जुलाई का महीना हमने काफ़ी हाई एंड पे ख़त्म किया, जहां चार बड़ी रिलीजेज देखी हमने महीने के एंड में, जिसमें आई शकुंतला देवी, अवरोध, रात अकेली है और लूट केस, और ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेन करने गई। अब हम आ गए हैं अगस्त के महीने में, तो इसीलिए हम आपके लिए एक पूरी लिस्ट लेकर आए हैं कि क्या क्या रिलीजेज होंगी आपके लिए अगस्त में, और साथ में बताएंगे आपको उनका प्लॉट, जिससे आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि वो वेब सीरीज़ या मूवी आपके इंटरेस्ट की है या नहीं। और अगर आपके इंटरेस्ट की है लेकिन आपके पास उसे देखने का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं और हम आपको बताएंगे उनको कैसे देखा जा सकता है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अगस्त में आपके लिए क्या क्या है OTT प्लेटफॉर्म्स पर। अगस्त में सबसे पहले रिलीज होगी बंदिश बंदित, 4 अगस्त को Amazon प्राइम पर। बंदिश बंदित 10 एपिसोड्स की एक म्यूजिकल लव स्टोरी है। कहानी है दो एकदम अलग लोगों की, जो हर चीज़ में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर एक कॉमन चीज़ उन्हें बांधती है, जो है म्यूजिक। प्लॉट फॉलो करता है राधे और तमन्ना को, जहां राधे एक क्लासिकल परफॉर्मर है और तमन्ना एक पॉप सिंगर है। दोनों ही एकदम कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और चल पड़ते हैं एक जर्नी पर, जहां वो एक दूसरे के लिए अडैप्ट करते हैं लंबे साथ के लिए। सीरीज का म्यूजिक दिया है शंकर एहसान रॉय ने, और उनका ये OTT प्लेटफॉर्म पर पहला वेंचर है। इसके अलावा कैमियो में नजर आएंगे नजरुद्दीन शाह और कुणाल रॉय कपूर भी। इसके बाद 6 अगस्त को रिलीज होगी परीक्षा, जो रिलीज होगी Zee5 पर। परीक्षा मूवी इंस्पायर्ड है रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ IPS ऑफर अभिनंद पे। मूवी का प्लॉट कवर करता है इंडिया के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को, जहां एक रिक्शा वाला अच्छी फैमिलीज के बच्चों को रोज स्कूल और ट्यूशन लेकर जाता है और सोचता है क्या कभी वो अपने बच्चे को भी एजुकेशन दे पाएगा। वहीं अभ्यानंद एक IPS ऑफिसर हैं, जो पुलिस DGP है बिहार में, और DGP होने के बावजूद नक्सली इलाकों में बच्चों को फ्री एजुकेशन देने जाते हैं। मूवी के डायरेक्टर हैं प्रकाश झा, और ये रिलीज होगी 6 अगस्त को Zee5 पर। परीक्षा के एक हफ्ते बाद 12 अगस्त को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड मूवी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल बायोपिक है गुंजन सक्सेना की, जो इंडिया की पहली फीमेल एयरफोर्स पायलट थी, जो एक इंडियन जेट फाइटर को लाइव वॉर जोन में लेकर गई थी। उनके साथ मिशन पर थी इंडियन एयरफोर्स की एक और पायलट श्री विद्या राजन। दोनों ने मिलकर लाइव वॉर जोन में जाकर इंडिया के कई सोल्जर्स को बाहर निकाला था। रिलीज की डेट इंडिपेंडेंस डे के पास की है, इसीलिए ऑडियंस से रिस्पॉन्स मिलने की काफ़ी उम्मीद है। ये कहानी दिखाएगी गुंजन सक्सेना के बचपन से बड़े होने तक की, कि कैसे वो इंडियन आर्मी से फैसिनेटेड थी और एज अ वुमेन उन्हें क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, और फाइनली एक इंडियन फाइटर जेट को लाइव वॉर जोन में ले जाने के लिए। इस मूवी में लीड करेंगी जाह्नवी कपूर, साथ में होंगे पंकज त्रिपाठी और नीना गुप्ता। इसके एकदम बाद 14 अगस्त को रिलीज होगा अभय 2 Zee5 पर। अभय का पहला सीजन ऑडियंस को काफी पसंद आया था, और अब तक वो Zee5 की सबसे ज्यादा वॉच सीरीज बन चुकी है। इस बार कहानी ली गई है कुछ ट्रू इवेंट से, जहां एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी से आगे निकलकर आम लोगों की जिंदगी बचाता है एक साइको किलर से। अभय 2 की लीड कास्ट सेम है, जिसमें है कुणाल खेमू, चंकी पांडे और राम कपूर। रिलीज डेट है 14 अगस्त Zee5 पर। अभय के साथ ही 14 अगस्त को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज एक क्राइम ड्रामा मूवी है और कहानी है ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड, जिसमें लीड रोल में है विद्युत जम्वाल। कहानी घूमती है विद्युत जम्वाल की वाइफ के अराउंड, जो गायब हो जाती हैं और उन्हें धकेल दिया जाता है प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में। विद्युत जम्वाल कैसे उन्हें वापस लाने के लिए एक से ज्यादा कंट्रीज में सफर करते हैं, और कैसे सिर्फ अपने दम पर ही उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, यही प्लॉट है खुदा हाफिज का। मूवी में दिखेगा अ लॉट ऑफ एक्शन एंड क्राइम। इसके बाद रहेगा थोड़ा ब्रेक, और 25 अगस्त को रिलीज होगी बेबाकी, जो कि आएगी ऑल्ट बालाजी Zee5 पर। ये एक फैमिली ड्रामा सीरीज है, जिसकी कहानी है इंटरकास्ट लव अफेयर पर, जहां एक मिडिल क्लास घर की हिंदू लड़की एक रिच मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ जाती है और उन दोनों की एक लव स्टोरी बनती है। बेबाकी अब तक की OTT की सबसे बड़ी लंबी सीरीज का रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि इसके होंगे 50 एपिसोड्स। दोस्तों, इसके अलावा अजय देवगन की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया भी रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक अगस्त में ये किस डेट को रिलीज होगी इसका कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं किया गया है। इसी के साथ रिलीज के लिए तैयार है सड़क 2 भी और लक्ष्मी बॉम्ब भी। इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट आती है, हम आपको दोबारा से एक वीडियो में बताएंगे कि ये कब रिलीज हो रही है, लेकिन अभी तक अगस्त में रिलीज होने का इनका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी पेशकश ट्यूब टॉक की तरफ से, जहां हमने आपको लिस्ट बता दी है अगस्त में 2020 में क्या रिलीज होने वाला है और क्या है आपके टेस्ट का।
इन्हीं सारी वेब सीरीज और मूवीज का रिव्यूज भी आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास इनको देखने के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम आपको बताएंगे जुगाड़ इन मूवीज को और वेब सीरीज को देखने का। तो बने रहिए हमारे साथ अंटिल वी ब्रिंग बैक टू यू आर नेक्स्ट रिव्यू इन आर नेक्स्ट वीडियो। इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।